बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ब्राइट स्पार्क्स एकेडमी। एग्जांपल नंबर 2.3। फाइंड द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। तो फोर्सेस जिनकी मैग्नीट्यूड इक्वल है उनके दरमियान एंगल मालूम करना है। व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, जब उनके रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड वो भी इक्वल हो मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर ऑफ दिस फोर्सेस, इन्हीं फोर्सेस में से किसी एक की मैग्नीट्यूड के। यानी हमने दो इक्वल मैग्नीट्यूड वाली दो फोर्सेस के दरमियान एंगल मालूम करना है जब उनके रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड भी इन्हीं फोर्सेस में से किसी एक की मैग्नीट्यूड के बराबर हो। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, हम कंसिडर करते हैं कि लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन फोर्सेस। दो फोर्स हम ले लेते हैं एफ वन और एफ टू, और इन दोनों फोर्सेस के दरमियान एंगल एफ वन थीटा है। दो फोर्सेस हमने कंसिडर की हैं एफ वन और एफ टू, और हम कंसिडर कर देते हैं कि जो एफ वन है इट इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और इन दोनों फोर्सेस में से हम एफ वन को कंसिडर कर लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। तो इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट होगा उसका हम एक्स कॉम्पोनेंट निकालते हैं। रिजल्टेंट फोर्स का एक्स कॉम्पोनेंट आर एक्स विल बी इक्वल टू एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स। एफ वन कॉस ऑफ 0 डिग्री, क्योंकि एफ वन जो है वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, लिहाजा उसके एक्स एक्सिस के साथ एंगल 0 होगा। प्लस एफ टू कॉस थीटा, और एफ टू का जो एंगल एफ वन के साथ बन रहा है वो थीटा होगा। एफ वन का 0 1 होता है तो ये हमारे पास एफ वन आ जाएगा का 0 1 प्लस एफ टू कॉस ऑफ थीटा। तो एक्स कंपोनेंट बनेगा रिजल्टेंट फोर्स का एफ वन प्लस एफ टू कॉस ऑफ थीटा। अब हम रिजल्टेंट फोर्स का वाई कंपोनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। आर वाई इज इक्वल टू एफ वन वाई प्लस एफ टू वाई। रिजल्टेंट फोर्स का एक्स कंपोनेंट आर वाई इज इक्वल टू एफ वन साइन ऑफ 0 डिग्री, क्योंकि फोर्स एफ वन जो है वो एक्स एक्सिस के साथ 0 एक्स एक्सिस के साथ है, लिहाजा उसका एंगल 0 डिग्री होगा। प्लस एफ टू साइन थीटा। आर वाई विल बिकम एफ वन साइन 0 इज 0 प्लस एफ टू साइन ऑफ थीटा। आर वाई इज इक्वल टू एफ वन को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 बन जाएगा, प्लस एफ टू साइन थीटा। आर वाई इज इक्वल टू एफ टू साइन थीटा। हमने रिजल्टेंट फोर्स का वाई कंपोनेंट भी निकाल लिया है और एक्स कंपोनेंट भी निकाल लिया है। अब हम रिजल्टेंट वेक्टर निकालते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा। रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू आर स्क्वेयर इक्वल आर एक्स स्क्वेयर प्लस आर वाई स्क्वेयर। तो रिजल्टेंट वेक्टर का स्क्वेयर बराबर होता है आर एक्स का स्क्वेयर प्लस, यानी उसके एक्स कंपोनेंट का स्क्वेयर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वेयर। हमें गिवन है कि इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है, दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड इक्वल है। एफ वन इज इक्वल टू एफ टू, इसको हम लिख लेते हैं एफ के। गिवन था हमें कि दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड इक्वल है और इनका जो रिजल्टेंट है वो भी इन्हीं में से किसी एक की मैग्नीट्यूड के इक्वल है। तो इसको भी हम रिजल्टेंट को भी आर के बराबर लिख लेते हैं, एफ के बराबर लिख लेते हैं। एफ वन की मैग्नीट्यूड भी एफ, एफ टू की मैग्नीट्यूड भी एफ, और जो रिजल्टेंट है उसकी मैग्नीट्यूड भी हम एफ लिख लेते हैं, क्योंकि रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड भी इन्हीं फोर्सेस की मैग्नीट्यूड में से किसी एक की मैग्नीट्यूड के बराबर है। इस कंडीशन को अगर हम यूज करें तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी एफ स्क्वेयर इक्वल टू आर एक्स हमारे पास है एफ वन प्लस एफ टू कॉस थीटा। एफ वन की जगह हम एफ लिख लेंगे
प्लस एफ टू की जगह भी एफ लिख लेंगे, दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल है, एफ कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर है, आर वाई इज इक्वल टू एफ टू साइन थीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं एफ टू इज ऑल्सो इक्वल टू एफ, ये बन जाएगा एफ साइन थीटा स्क्वायर। तो अगर हम इसको स्क्वायर को खोल लें, ये बन जाता है एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये बन जाएगा अगेन टू मल्टीप्लाई होगा एफ से और एफ कॉस थीटा से, ये बन जाएगा एफ स्क्वायर कॉस थीटा प्लस एफ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। एफ स्क्वायर इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस टू एफ स्क्वायर कॉस थीटा प्लस एफ स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एफ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। एफ स्क्वायर इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस टू एफ स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा, एफ स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, अंदर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। नाउ एफ स्क्वायर इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस टू एफ स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा प्लस एफ स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, एंड वी हैव दिस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, तो हमारे पास रह जाता है एफ स्क्वायर प्लस टू एफ स्क्वायर कॉस थीटा प्लस एफ स्क्वायर, एफ स्क्वायर इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर टू एफ स्क्वायर प्लस टू एफ स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। नाउ एफ स्क्वायर माइनस टू एफ स्क्वायर इक्वल टू टू एफ स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा, एफ स्क्वायर माइनस टू एफ स्क्वायर इट बिकम्स माइनस एफ स्क्वायर इक्वल टू टू एफ स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा, एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस वन टू यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे डिवाइड हो जाएगा, और कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू, एंड वी हैव थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू, एंड कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू 120 डिग्री। अगर कोई सी दो फोर्सेस के दरमियान एंगल 120 डिग्री हो और उनकी मैग्नीट्यूड इक्वल हो, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा उसकी मैग्नीट्यूड भी उन्हीं में से किसी एक फोर्स की मैग्नीट्यूड के इक्वल होगी। कंडीशन ये है कि उनके दरमियान थीटा 120 डिग्री होना चाहिए। ये एक अहम न्यूमेरिकल है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये पूछा जाता है, बल्कि एक्सरसाइज में ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, और न्यूमेरिकल जो आते हैं आपके 3 नंबर में उनमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है।